फसाए पचास 130 आदमी के फसाबे जाए जाए तो फसाबे के कारण से कथी बात है प्रभु जी का अपने घटा लोग है आप लोग के फसाबे जाए तो मतलब आम जनता के कथी फायदा है आम जनता के फायदा है समाज के तौर से आए है समाज के तौर से आए गौ हत्याकांड के विषय में बात कर रही है मेरा अच्छा गौ हत्याकांड बहुत पहले भेल है वो मैं अपने संलग्न रहा माओवादी के माने के जाए कलम के साथ कलम के ओकरे से झगड़ा झुगड़ी हो गए मारामारी भेल मर गए अपने घर कौन मरल अपने घर में कौन कौन को हत्या भेल कि ना हत्या बहुत पहले भेल बहुत हद तक ये मुद्दा अदालत में मुद्दा अभी तक न गए लेकिन फिर भी अपने से मांग कर रहा कहने लगे वही कहे कि 130 आदमी पर न हो जी गौ हत्याकांड के विषय में जो भेल घटना ना और में ऐसे पहले भी फोरम के वहाँ बैठक रहे तो निर्देशन मिले रहे बैठक बनाबे के स्टेज बनाबे के बाद में जबरदस्ती प्रभु सा वही जगह पर स्टेज बनाबे के खोजला पर अब पीड़ित जनता सा जे गांव घर में जे चंदा के रूप में उठा के जमे के मार के धमका के पुलिस प्रशासन लगा आम जनता के वो हत्या करे लगल पीटे लगल वो से पीड़ित लोग भी गाँव में पुग रहे आ वही फोरम के ऑर्डर मिलल है भाषण देवे के वही जबरदस्ती के लिए घटना से घटल वही घटना में कुछ व्यक्ति लोग जुलूस क्या करे घटना कहानी बनाए थे अपने वही समय भी भेल एक लगाए अपने काशीनाथ तिवारी हिंदू संघ के बिरगज में हत्या भेल कई वो में प्रभुषा के नाम मलई वो भाड़ा पर पैसा देवे के आदमी के पठेते पठेते निकाल दिल अपन नाम सही है ओकर नाम अटेन जारी नोटी गरीब जो पार्टी में रही सरकार में रही वही के चलते बचल रहे शिक्षक सुनील यादव के हत्या भेल बूथ पर जो उनका से बर्तलाव भेल वोट के टाइम में उनका वही के चलते उनका से बर्तलाव के चलते बाद में उनका वही स्कूल में बनाइए दवाई वही बूथ के बगल में उनका गोली मार सफाई मिल गए उनका जी ना अदालत से सफाई कोनो जगह है एगो पीड़ित के पक्ष के वो इतना दबंग के स्टाइल में रहे कि अपहरण शैली में घर के गिरफ्तार करके सफाई मिल रही बाद में काशीनाथ तिवारी के भी परिवार को सही है कलकई अपने के उपिंद्र दास बैरागी के भी वैसा ही कह छोड़ दिल कोनो के अपने के न्याय न मिलल समय के साथ साथ बलवान भी रही एक के चलते लोग अभी मोम रही अभी समय आ चुकल है वो प्रभु से हत्यारा के भीतर लावे के पड़ल आ फिर राइस मिल में निर्दोष सके फंसावे के खोजे गई ओकरा भी ले जाए के पड़े प्रभु सा कौन पार्टी से थी हम जनता समाजवादी पार्टी ने जनता समाजवादी पार्टी से अच्छा ये बताओ ये अभी जो जुलूस कर रहा है जनता समाजवादी पार्टी जुलूस कर रहा है और भी 6 दल का ही कर रहा है तो आम जनता के मुद्दा पर अपने से जुलूस क्या कर भाई आम जनता के जो बेरोजगारी है महंगाई है के कृषि के समस्या है उस बारे में अपने जुलूस क्या कर भाई कोई जनता समाजवादी पार्टी के ही ना रोट हटके लगाए थे देश के लगभग नेपाली कांग्रेस लगाए तो जनमत पार्टी लगाए तो माओवादी लगाए जसपा लोसपा अन्य दल सब के भी समर्थन में जुलूस है क्या कि तू हत्यारा ज्यादा से ज्यादा उमक रहा है शांत करके खोज रहा है कितना बड़ा अमित सूर्य यादव कितना जा जुलैली अथी इसे घूमे आए थे रैली में घूमे आए थे कभी लाई कभी रैली ये अति जुलूस है अति पहले ऊपर कभी के जुलूस में आए थे कभी के जुलूस है विरोध में सुनील यादव का हत्या करवा प्रभु सा बैरागी और खिलाड़ी रहे उपिंदा यादव का हत्या करवा प्रभु सा प्रभु साजनीति कर ले जनता का राजनीति न कर ले जितना मारो मारो लेकिन हम विरोध कर एकदम आतंकवादी बाबू कैसे माने जनता विरोध कर विरोध कर अपने अपने
विरोध में आए थे। कथी के विरोध? करूर टा के विरोध में। तो खाली प्रभु साहब ने क्या करे छे समझ नमस समझ में आला हां टांग भाई आ रहा ले कथी कने कहले बा हम कथी कने कहले बा दुनिया की रो टांग बा हटे आ रहा बा हटे आ बा अच्छा कौन पड़ जा रहा है रे हां यस बा वाह ये बा कभी ला कभी जूस ला था हां कभी जूस ला था कभी का जूस हां छाता छाप छाता छाप कथी लगे आल से में कथी लगे आल से बोला मनोरंजन हो रहा जसमीन विशेष छौ दल को मोर्चा का बैठक विशेष प्रभु शाह को विरुद्ध में यहाँ को प्रत्यक्ष जनता बुझाई बढ़ने प्रभु शाह को विरुद्ध में वहाँ आंदोलन हत्या हिंसा आतंक फैलाने विरुद्ध में आंदोलन ये बेला हमीर तहट को जिला प्रशासन कार्यालय अगड़ी छूँ विशेष यहाँ को जनता जानने प्रयास कर जुलूस को मूवमेंट को उद्देश्य के हम जानने प्रयास करते कभी नाम अपने के नाम अपने के कदी नाम अपने बयदमा ठाकुर कदी नेल जी जुलूस में आल छे कदी जुलूस में परगुसा के जुलूस में आल छे काय लागी परगुसा जुलूस में आल छे परगुसा घेर आवला काय लागी उ हत यार आयो होइला पुलिस आई कोठा आवा सके त अपने हत कोठा त दूसरा के हत यार पर त उ हत यार हो के दूसरा के हत यार बना रहल है कोना कोना कथे हत कहले हत 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 कहले काशीनाथ तिवारी के अपने के सुनील यादव के सब सब के पहले उम्र में 50 वर्ष से बेसी हथियारा कहले है अपने हथियारा हो के दूसरा के हथियारा बना रहा है ओकरे विरोध में हथियारा बना रहा है जनता के बना रहा है जनता के जो मुख्यालय नेता तो उसे के हथियारा बना रहा है कौन है प्रभु से विकास बहुत कर ले के तो फिर विकास विकास कर ले अभी तो जनता से ला ऊपर रहती है अपने विकास घरवा मौलापुर नगरपालिका वडा नंबर 6 में अपने मौलापुर घरवा मौलापुर में उनके नगरपालिका के आदमी छे हम कौन है बहुत जरा विकास करवा प्रभु से विकास कर ले तो इतना जनता रोड पर आ रहती है विकास करके विकास छीन लिए छीन ले कैसे आदमी को मार दले छीन ना ले तो मार ले हां उनको मालूम है तो अपने बोलो अपने कोई मारे अच्छा ये बताओ प्रभु सर के क्षेत्र में कहा सुनील ने विकास बहुत बनाई ज्यादा था मतलब रोड नाला सब कुछ बना लगे अपने कहीं विकास ना बेलाई तो रोड नाला बना ला तो विकास हो गए आदमी मार ला तो विकास हो गए खाली मार ले बा आदमी मर ले नाला की तो इतना जानते कहे ला दिए ओका अथी का बेलाई सफाई बेलाई आप न कहत है आप कहत है ना तो जानता उतर दे कोड करे ला कहे ना कहत है तो कहे ना कहा था जान जानता में दम होता है तो जानता उतर दे तो कोर्ट करा ले वो अपना कहा जाता है प्रभु साहब राजनीतिक जुलूस में अपने सब सभा के लिए लेकिन आम जनता का जो मुद्दा है आम जनता का जो समस्या है वो वाला मोमेंट में कही अपने सब एक नया जुलूस निकाल पाए किसान समस्या के बारे में बेरोजगारी के बारे में जो नगर प्रमुख सब जो नगर प्रमुख कृष्ण कर लोगों के बारे में कही जुलूस निकाल पाए हमने तो वो सके सबको बैठ के मीटिंग होते मीटिंग पास भेला के बाद में लोग छह दल के नेता सामने कहा जुलूस निकाल दे तो अपने निकाल दे अच्छा अपने हिसाब से अपने किसान जी किसान का दिन समस्या है किसान का तो बहुत ऐसे सिंचाई के समय जुलूस करना निकाल ली तो जुलूस को ही कहता है ये कि निकल दे ए किसान से के समस्या हमने मौलापुर नगर पर गया में कोई कोई हार गेल छी ना सुन ले कोनो सुनवाई ना है आज तक ले कोनो सुनवाई ना है सिस्टम इन विशेष ग्राउंड जीरो पे बाइक लाई आ मैं देखाने प्रयास करो छै एती बेला हमी रहता हट को जिला प्रशासन कार्यालय लगाड छु तब हेर सक्नु हुन्छ हजारो हजारो संख्या में यहाँ स्थानीय नागरिक आउनुभयो छ र विशेष यो ग्राउंड जीरो तपाईलाई कस्तो लाग्यो अवश्य हामीलाई कमेन्ट सुझाव गर्नु होला एपीएफ आर्म